अमेरिका में कोरोना वायरस से मरने वालों की जो संख्या है वो 13,000 तक पहुंच गई है, जबकि जो इन्फेक्टेड लोगों के नंबर्स हैं वो 4 लाख तक पहुंच गए हैं। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने विश्व स्वास्थ्य संगठन पर चीन की तरफदारी करने का आरोप लगाया है। कहा है कि वो समय पर दुनिया को इस खतरे के बारे में आगाह नहीं कर पाया और ये कि वो संगठन की फंडिंग को काटने पर, रोकने पर विचार कर रहे हैं। जब से अमेरिका में ये क्राइसिस शुरू हुई है, दूसरे मुल्कों की तरह यहाँ भी डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा के बढ़ने की रिपोर्ट्स आ रही हैं। अमेरिका के एक बड़े हिस्से में लोग घरों पर ही हैं, घरों से बाहर निकल तभी निकलते हैं जब बहुत ज़रूरी काम होता है। बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, लोग काम पर नहीं जा रहे हैं, तो इससे घर में जो स्ट्रेस लेवल है, तनाव है, उसमें इजाफा देखने को मिला है। इसके अलावा जिन घरों में लोगों की नौकरियां गई हैं वहां पर फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो बढ़ा है। जो ऐसे हालात में जिन घरों में डोमेस्टिक वायलेंस, घरेलू हिंसा होती रही है या फिर होती है, वहां पर जो पीड़ित हैं उनके लिए भी जो स्थिति है वो और खराब हुई है। एक रिपोर्ट आई है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका के 20 बड़े शहरों में से 9 बड़े शहर हैं वहां पर घरेलू हिंसा बढ़ने की रिपोर्ट्स हैं, ऐसा पुलिस का कहना है। पेंसिल्वेनिया है, वहाँ के एक इलाके से खबर है कि वहाँ पर एक आदमी जो कि परेशान था इस क्राइसिस से, सिचुएशन से, उसने पहले अपनी गर्लफ्रेंड को गोली मारी, उसके बाद से उसने खुद को गोली मार ली। इलिनॉय में घरेलू हिंसा को लेकर एक हॉटलाइन है, उन्हें पहले दिन में 60 कॉल्स आते थे, अब ये संख्या बढ़कर 90 हो गई है। इसके अलावा पोर्टलैंड, ऑरेगन, बॉस्टन, ये सब जो इलाके हैं, शहर हैं, वहाँ से भी घरेलू हिंसा बढ़ने की खबर आ रही है, ऐसा पुलिस का कहना है। और ये संघ जो नंबर्स हैं करीब 20% या फिर उससे ज़्यादा बढ़े हैं। जो पीड़ित हैं उनके लिए भी स्थिति आसान नहीं है। वो अगर अपने पार्टनर से दूर जाना चाहें, घरों से बाहर निकलना चाहें, तो वो चैलेंजिंग है। अगर वो बाहर निकलकर अपने पाँव पर खड़े होने की कोशिश करना चाहें तो वो आसान नहीं है। और ऐसे हालात में पीड़ितों तक मदद पहुंचाना भी चैलेंजिंग है, वो आसान नहीं। हालांकि जो पुलिस है या फिर जो संगठन इन मामलों पर काम करते हैं, ऐसे ऐसी फील्ड में काम करते हैं, उन्होंने अपनी वेबसाइट्स पर हेल्पलाइन नंबर्स दिए हैं और कहा है कि जो पीड़ित हैं वो ऐसी स्थिति में घरेलू हिंसा को बिल्कुल बर्दाश्त ना करें और वो उन्हें तुरंत कॉल करें, तुरंत अप्रोच करें। विनीत खरे, BBC, वॉशिंगटन।